हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो हेयर साइंस रिलेटेड हमने जो अपना पार्ट वन कंप्लीट कर लिया है, जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया हुआ है, एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियोस है। तो आज का हमारा पार्ट टू है। आज की हमारी क्लास होने वाली हेयर साफ, जो कि हमारी हेयर लेंथ होती है जिस पर हम काम करते हैं। हमें पता होना चाहिए वो कैसे बना है, कितने बॉन्ड्स होते हैं, कितने पिगमेंट्स होते हैं, कितनी लेयर्स होती है हमारे हेयर में, ठीक है। एक हेयर स्टाइलिस्ट को बहुत जरूरी होता है समझना। जब भी आप काम करते हो तो आपको पता नहीं होना चाहिए कौन सी लेयर पर हमारे बॉन्ड्स हैं, कौन सी लेयर पर हमारे पिगमेंट्स हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि डे बाय डे क्लास चल रही है। जो भी मैं वीडियोस डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और हर वीडियो जो है आपके लिए काफी नॉलेजेबल वीडियोस रहेगी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को आप कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए जल्द से जल्द वीडियोस लेके आऊंगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जाके फॉलो करो, काफी शॉर्ट वीडियोस लेके आता रहता हूँ आप लोगों के लिए, वहां पे जाके फॉलो करो। कोई भी डाउट रहता है हेयर से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट है, अगर कुछ भी पूछना है तो आप मेरे को वहां पे मैसेज कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम करते हैं क्लास, करते हैं आपके डाउट क्लियर, आइए, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा हेड बना लेता हूँ। लास्ट पार्ट में हमने हेयर को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, एक था हेयर रूट्स, एक था हेयर शॉफ्ट। लास्ट पार्ट में हमने हेयर रूट्स के बारे में पढ़ा, हमारे हेयर फॉलिकल्स कैसे ग्रोथ होते हैं, हमारे हेयर के जो हमारे हेयर जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, हमारे हेयर के जो पिगमेंट नेचुरल कलर होते हैं वो कहाँ होते हैं, कितने पिगमेंट्स होते हैं, हमारे हेयर में जो सीबम जो ऑयल हो जाते हैं, हमारे हेयर में जो ऑयल आ जाता है वो कहाँ से आता है। जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोज़ है। एक हेयर स्टाइलिस्ट को पता होना चाहिए हेयर रूट्स हमारा फॉलिकल्स कैसे ग्रोथ होता है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली हेयर शॉप में, लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था हेयर शॉप जो कि हमारी हेयर लेंथ होती है, जिस पर हम हेयर लेंथ पर काम करते हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए वो कैसे बना है, कितनी लेयर्स होती हैं हमारे हेयर में। अगर आप कलर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए पिगमेंट्स कौन सी लेयर पर है, अगर आप स्मूथनिंग कर रहे हो टेम्परेरी परमानेंट काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बॉन्ड्स कौन सी लेयर पर होते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं एक हेयर ले लेता हूँ इधर, हमारा हेयर देखने में तो बहुत पतले होते हैं बट इसमें तीन लेयर्स होती हैं। फर्स्ट होती है क्यूटिकल, सेकेंड होती है कोटेक्स, ठीक है, एंड थर्ड लेयर होती है मेड्यूला। ठीक है, तो हमारे हेयर में तीन लेयर्स होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है। फर्स्ट लेयर क्यूटिकल्स होती है, ये हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर हमारे क्यूटिकल्स अच्छे से क्लोज हैं तो हमारे हेयर हेल्दी और शाइनी दिखते हैं, मॉइस्चर उनके अंदर लॉक रहता है। अगर हमारे क्यूटिकल्स ओपन हैं तो हमारे हेयर जो है ड्राई दिखते हैं। तो ये एक तरीके से हेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सेकेंड लेयर होती है हमारी कोटेक्स, ये हमारे हेयर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर हमारे हेयर में सबसे ज्यादा वेट जो होता है हमारे हेयर में वो इसी लेयर में होता है। वो क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इसी के अंदर होते हैं बॉन्ड्स, इसी के अंदर होते हैं हमारे पिगमेंट्स। अगर हम कलर कर रहे हैं तो वो भी इसी के अंदर करते हैं, अगर हम कोई स्मूथनिंग कर रहे हैं तो वो भी हम इसी के अंदर कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी लेयर में है, वो कोटेक्स लेयर में। कौन सी लेयर है? सेकेंड लेयर, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। तो हमारी जो सेकेंड लेयर है कोटेक्स, इसके अंदर ही होते हैं हमारे कोटेक्स लेयर के अंदर हमारे, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं थोड़ा चलने का, कोटेक्स लेयर के अंदर हमारे बोन्स और पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स हमारे कितने होते हैं? तीन बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है सॉल्ट बॉन्ड, एक होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तीन पिगमेंट होते हैं हमारे, एक होता है रेड, एक होता है येलो, एक होता है ब्लू, ठीक है।
तीन बॉन्ड्स हैं, तीन पिगमेंट्स हैं। ये जो दो बॉन्ड होते हैं हमारे हाइड्रोजन एंड सॉल्ट, ये होता है टेम्परेरी बॉन्ड होते हैं हमारे, ठीक है। ये हमारा वाटर से भी ब्रेक हो जाता है और हीट से भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है। वो कैसे, जब हम बालों पे पानी लगाते हैं, हम कट करते हैं, तो हम हेयर को वेट करते हैं, गीला करते हैं, तो देखा होगा आपने शेप चेंज हो जाती है, थोड़े स्ट्रेट हो जाते हैं। तो हमारा टेम्परेरी बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाता है। अब हम एक कर्ली हेयर को स्ट्रेट करते हैं, आइनिंग करते हैं, तो उससे देखा होगा आपने हीट से थोड़े स्ट्रेट हो जाते हैं। कर्ल्स भी कर देते हैं हम हेयर को, तो वो टेम्परेरी हीट से जो है स्ट्रेट भी हो जाते हैं, कर्ल्स भी हो जाते हैं। वो टेम्परेरी बॉन्ड जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड पर हम काम करते हैं। तो वैसे तो आपको पता होना इसका ज़रूरी है, क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन भी कर सकता है कि हमारे हेयर जो हैं टेम्परेरी आइनिंग से, हीट से क्यों स्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हेयर में तीन बॉन्ड हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हमारा वाटर से भी ब्रेक हो जाता है और हीट से भी ब्रेक हो जाता है, तो इसका पता होना आपको ज़रूरी है। अब ये रिपेयर खुद ही हो जाते हैं, जैसे ही हमारे हेयर में से पानी निकलता है, मतलब हमारे हेयर सूखते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा से उसी शेप में आ जाता है। एंड जैसे ही हमारे बालों में से हीट निकलती है, हम जैसे ही वॉश करते हैं अपने हेयर को, तो दोबारा से उसी शेप में आ जाता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हमारा दोबारा से ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाता है, ठीक है। सॉल्ट बॉन्ड जो है हमारा, ये पीएच बैलेंस पे डिपेंड करता है। एक हमारे हेल्दी हेयर का जो पीएच होता है वो होता है 4.5 से लेकर 5.5। अगर इससे ऊपर, 7 से ऊपर चला जाता है, हमारा हेयर एल्कलाइन की साइड चला जाता है, जिससे हमारा सॉल्ट बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है। तो ये पीएच स्केल क्या होता है, इसके हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इसी में बात करने लग गया तो आपका जो माइंड है डाइवर्ट हो जाएगा। तो हम अपनी क्लास में एक एक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, तो आज हमारा हेयर साफ है, तो आज हम हेयर लेंथ के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्ट बॉन्ड जो है ये भी हमारा टेम्परेरी है, पीएच बैलेंस पर डिपेंड करता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऐसे सॉल्ट बॉन्ड हमारा रिपेयर होता रहता है एंड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और जितना भी हमारा परमानेंट काम होता है ये सारा डाइसल्फाइड बॉन्ड पे होता है। अगर हम स्मूथनिंग करते हैं, पमिंग करते हैं, वो सब इसी बॉन्ड पर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्मूथनिंग करते हैं, तो हम स्मूथनिंग क्रीम लगाते हैं, जिससे कि हम उसको लगाने के बाद हम चेक करते हैं, हम इस बॉन्ड को गीठा लगा के खींच के, तो हम गीठा लगा के चेक करते हैं, अगर वो खुलती है तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, अगर वो गीठा लॉक हो जाती है तो हमारा जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। तो वैसे तो ये सबको ही पता होता है, बट ये नहीं पता होता कौन से बॉन्ड पर काम कर रहा है, वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। फिर इसको हम बॉन्ड ब्रेक करने के बाद वॉश करते हैं, आइनिंग करते हैं, फिर लगाते हैं हम न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने इसको जो है ब्रेक तो कर लिया, फिर इसको हमें रिपेयर करने के लिए न्यूट्रलाइजर लगाना पड़ता है, जिससे एक हमारा कर्ली हेयर भी जो है स्ट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इस बॉन्ड की हेल्प से। और जो ये जो है हमारा परमानेंट बॉन्ड है, एक बार स्ट्रेट हो गया तो उसके बाद आप वॉश भी करोगे तो वो जो है हेयर की शेप जो है वो चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि जो है हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड पर काम करा है, स्मूथनिंग करी है, तो हमारे हेयर आपको पता होना चाहिए कि वो किस पर करी है, ठीक है। वो करते हैं हम डाइसल्फाइड बॉन्ड पर। तीन पिगमेंट होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। इसके बारे में आपको ये पिगमेंट क्यों पता होना चाहिए, आगे नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी तो आपको पता चलेगा ये क्यों इतना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स भी कोई इतने ज़्यादा भारी नहीं है, आपको पता चल गया। दो हमारे टेम्परेरी है, आपको पता चल गया। हीट से और वाटर से ये टूट जाते हैं, ठीक है, और ऑटोमेटिकली खुद ही रिपेयर हो जाते हैं। सॉल्ट बॉन्ड, ये हमारा पीएच बैलेंस अगर हेल्दी है, हेल्दी क्या है, 4.5 से लेके 5.5 तक अगर है, तो हमारा हेयर का जो सॉल्ट बॉन्ड है ये हमारा रिपेयर रहता है। इससे ऊपर चला जाता है एल्कलाइन की साइड। एल्कलाइन क्या है, मैं आपको जो है पीएच स्केल के बारे में पढ़ाऊंगा तो अब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड पर हम अपनी स्मूथनिंग करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए जो स्मूथनिंग कर रहे हैं, परमानेंट हेयर को फिक्स कर रहे हैं, वो किस पे कर रहे हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड पे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं तीसरी लेयर की, मेडुला। इसका वैसे हमारे हेयर में कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होता, ये सारे बालों में होता भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप देखोगे ये उन हेयर में होता है जो काफ़ी थिक होते हैं, मोटे होते हैं, जो अफ्रीकन हेयर होते हैं, ये उसमें मिलेगा, बट इसका होना ना होना कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि इसका कोई बालों में इतना काम नहीं होता। तो ये होता है हेयर साफ, आपको बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल ऐसा आप देखोगे ना, तीन लेयर हैं इसमें। क्यूटिकल कोर्टेक्स, किस पर आप काम करते हो, कोर्टेक्स पे। कोर्टेक्स में ही बॉन्ड्स हैं, कोर्टेक्स में ही पिगमेंट्स हैं। कितने बॉन्ड्स हैं, तीन, हाइड्रोजन सॉल्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसको सल्फर बॉन्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान है, इसको आप पढ़ो। पिगमेंट कितने हैं, रेड, येलो, ब्लू। अगर आप कलर करते हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सी लेयर पर करते हो, कोर्टेक्स में। कोई भी आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सलून इंडस्ट्री में हो और फ्लोर पे खड़े हो, तो आपको हेयर की एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि क्लाइंट भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी। अगर आपको इसकी नॉलेज होगी,
तो आप अपने क्लाइंट के हेयर को अच्छे से समझ सकते हो, उनको अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी करते हैं तो आप उनको एकदम आंसर अच्छा दे सकते हो और उनको एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हेयर शाफ्ट है, आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हो और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाके आप मैसेज करो। फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो आपको हेयर साइंस से रिलेटेड या आपको ये जो आज हमारी क्लास है इससे भी कोई रिलेटेड आपको कोई जो है डाउट है तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल वैसे तो आसान है और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप अकेडमी पढ़ते हो वैसे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोज लाता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि डे बाय डे हमारी क्लास चलने वाली है। अगर बेल आइकन आप प्रेस करके रखोगे, दबा के रखोगे, तो आपको जो भी हमारी वीडियोज़ अपलोड होएगी हमारी, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा और आप अपनी क्लास जो है कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी बीच में से वीडियोज़ मत देखना, स्टार्टिंग से जो हमारे पार्ट आ रहे हैं वही देखना। मैं हर पार्ट का अपना जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले उस पार्ट को देखो स्टार्टिंग से, फिर आप सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे पार्ट देखना। हम सारे कलर व्हील के बारे में बात करेंगे, जितने भी प्रोफेशनल ब्रांड हैं सारे ब्रांड्स के बारे में, कौन कौन से हमें जो है ब्रांड्स के बारे में पता होना है, सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। जैसे एकेडमी में पढ़ते हो वैसे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो भी आपका डाउट रहता है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और ठीक है अब हम पीएच स्केल के बारे में अपना थर्ड पार्ट लेके आएंगे हम, तो अब हम मिलते हैं आपसे थर्ड पार्ट में।